नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक व्यक्ति का क्वेश्चन आता है कि राजू भैया, 10,000 रुपया मैंने 7-8 साल पहले म्यूचुअल फंड में लगाया था और वो बढ़ के 30,000 रुपया हो गया, और ठीक उसी समय में हमने एक उलीप में पैसा लगा दिया, 10,000 रुपया करके 3 बार दिया 30,000 रुपया, और निकाले थे ना, मतलब बहुत पहले निकाल लिए थे, 3-4 साल के बाद निकाल लिए थे ये वाला पैसा, तो मात्र 25,000 रुपये मिला था। ये वाला पैसा छोड़ दिए थे तो बढ़ के मिला, तो ये कम कैसे हो गया और ये बढ़ कैसे गया, इसके बारे में बताइए। तो डॉक्यूमेंट्स जब पढ़ेंगे ना, जब ये वाला आएगा अदर देन म्यूचुअल फंड का, जब डॉक्यूमेंट्स आएगा ना, म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट्स एक पेज का आएगा, स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, और अदर देन जो म्यूचुअल फंड लेंगे ना, उसमें दस्तावेज ऐसा आएगा ना लिखा हुआ छोटे छोटे अक्षर में, मुझे लगता है जिसने उसको छापा है, जिसमें उसमें वो लिखा है, वो खुद नहीं बता पाएगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन बनाया है, किसी से भी भारत में पूछ लेंगे उसका क्या मतलब है एक एक करके, तो मैं सच बोल रहा हूँ वो नहीं बता पाएगा। साधारण आदमी को तो बात ही छोड़िए, मैं बहुत बार पढ़ने का कोशिश किया, हमारे समझ में तो नहीं आया। किसी को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि उसके दस्तावेज में जो 20 पेज का है उसमें लिखा क्या क्या है, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, कैसे भी हो, समझाने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो बढ़ गया, अदर देन म्यूचुअल फंड जहाँ भी लगाया तो नुकसान हो गया। तो इसको ऐसे समझिए, आपने दो खेत खरीदा, मतलब है आपके पास खेत ऑलरेडी, अब भोली करने के लिए फंड मैनेजर को लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया कि भाई हमारा खेत है, इसको तुम देखो, आम का पेड़ लगा हुआ है, इसको तुम देखो, जो मुनाफा होगा हमको दे देना। तो इसका कानून अलग है, इसका कानून अलग है, इसने साइन वाइन करा के रख लिया अपने पास कि ऐसे कैसे करेंगे, और ये भी साइन करा के रख लिया, दोनों अलग अलग है, कानून अलग अलग है। तो यहाँ पे इसने जो साइन कराया बोला जो फायदा होगा ना उसमें से 2,000 रुपया हम रख लेंगे साल का, मान लो 1 लाख रुपया लगाया तो हो जाएगा, तो आम ना बिका साल के अंत में 1,20,000 का आम हो गया, लहला के आम हो गया, इधर भी हुआ उधर भी हुआ, 1,20,000 में से 2,000 रुपया भोली करने के लिए वो किसान को फंड मैनेजर को मिल गया, बाद में कितना बचा, 1,18,000 वापस कर दिया, ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया, खुश हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका पैसा बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, आम यहाँ भी हुआ, बोला हम आम बेच के पैसा नहीं लेंगे, हम पेड़ काट के पैसा लेंगे, एक पेड़ काट दिया, बोला आपको नुकसान होगा फायदा होगा मतलब पता नहीं, हम पेड़ काट देंगे, अब जो है एक पेड़ कम है, 2,000 रुपये ले लिया अपना। तो यहाँ पे देखेंगे लंबे समय में यूनिट धीरे 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 कम होता जाएगा, और एक्सपेंस जो काटेगा यूनिट काट काट के काट काट के काट काट के पेड़ काट काट के काट काट के आपका खेत ही छोटा हो जा रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेन सेम ऑल द टाइम, एक बार जो आपको यूनिट मिल गया स्टेटमेंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, कभी बढ़े घटेगा नहीं, वो उसका दाम बढ़ घट सकता है, आम में पेड़ कम होगा ज्यादा होगा ये मायने है, ये नहीं कि पेड़ ही कट जाए, ऐसा यहां पे कभी नहीं होगा। 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल तक आप पैसा रखिए, यहां कम नहीं होगा यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स अभी तक के नियम के अनुसार यही है, और नियम कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, अभी तक का नियम यही है। और यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स धीरे 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 टाइम टू टाइम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और उसी अनुसार में वैल्यूएशन भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, खेती काट रहा है, अब उतने से खेत में जितना उपज होगा उतना ही मिलेगा, तो ये लफड़ा है। पढ़ेंगे ना उसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, अंग्रेजी स्टार मार्क करके, हिंदी में भी, जो समझ में तो नहीं आने वाला है, आता है तो मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चन होगा करना क्या चाहिए, हम साधारण आदमी को करना क्या चाहिए, तो अदर देन म्यूचुअल फंड लिए है ना, तो सब कंपनी को म्यूचुअल फंड भी है और अदर देन म्यूचुअल फंड वाला काम कर ही रहे हैं, सारे पैसे को निकाल कर यहां ट्रांसफर कर दीजिए, अगर आपके पास 10 साल 15 साल 12 साल 13 साल 18 साल 20 साल टाइम है, पैसे का जरूरत नहीं है, सारा पैसा यहां निकाल दीजिए। फिर क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया है, बंद कीजिए, सारा पैसा को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, SBI HDFC ICICI जितना भी है सब, वो भी चलाते हैं ये भी चलाते हैं, सब ट्रांसफर कर दीजिए। आप कहेंगे बहुत लॉस हो रहा है, 50,000 से 1 लाख के बीच नुकसान हो रहा है, ये नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यदि आपने पूरे टर्म चला दिया 15 साल 20 साल चला दिया तो
तो ये नुकसान 8 से 10 लाख होगा आने वाले दिनों में, बढ़ता जाएगा नुकसान। तो बेहतर है कि 50 हज़ार से 1 लाख दिल पे कलेजा पे पत्थर रख के बोले भाई ठीक है जो हुआ हुआ, सीख गए नुकसान के बाद, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये वाला लॉस से बच जाएंगे। अच्छा, किसको नहीं करना चाहिए सरेंडर, बंद नहीं करना चाहिए? अगर मेच्योरिटी में 2 से 3 साल बचा हुआ है, अगले साल है राजू भैया चला लीजिए, 2 साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, तो निकाल के पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है जिसके पास अथाह पैसा है, मतलब चलो ठीक है यहाँ भी लगा दिए थोड़ा सा वो भी खुश, थोड़ा सा वो भी खुश, थोड़ा सा वो भी खुश, अथाह पैसा जिसके पास है लगा दीजिए। फिर आप में से एक आदमी पूछते हैं कि राजू भैया बताइए, हमारे पास 20 लाख रुपया है, कहाँ लगा दूँ? तो कहाँ लगाएंगे, वो तो म्यूचुअल फंड में ही लगाएंगे, यही बताऊंगा मैं। तो पहले कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि 20 लाख रुपया यदि 15 साल छोड़ दें और 15% के रेट से पैसा आपका 1 करोड़ 62 लाख बन जाता है, 10% भी अगर जोड़ते हैं या 12% जोड़ते हैं, अपने मर्जी से जोड़ना है, यहाँ पे खुद से जोड़ना है। हमने जोड़ा तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए, आप जोड़ेंगे लगातार 1 सप्ताह, ये सब कैलकुलेटर पे कीजिए, ताम झाम खटकुट खटकुट कर लीजिए, तभी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा। 12% के रेट से ये पैसा बनता है 1 करोड़ 9 लाख रुपया 20 लाख का। आपको फुल कॉन्फिडेंस है जो प्लॉट खरीदने वाले हैं आने वाले 15 साल में वो 1 करोड़ का हो जाएगा। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा ना या 2 करोड़ हो जाएगा ना, उसके बाद कितना भी हो जाए उसको मायने नहीं है। एक जिंदगी जीने के लिए, साधारण जिंदगी जीने के लिए, साधारण आदमी को अच्छे से जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं जरूरी नहीं है। 10 हज़ार करोड़ है, 20 हज़ार करोड़ है, 50 हज़ार करोड़ है, कोई फायदा नहीं है, वो बैंक में ही रहेगा। 1-2 करोड़ रुपये काफ़ी है, उसके बाद कितना भी हो जाए वो नंबर आगे 0-0 बढ़ता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका कैश फ्लो देख लेते हैं कि 20 लाख लगाया, 1 करोड़ 9 लाख कैसे हो गया, इम्पॉसिबल है। 12% के रेट से 15 साल में इतना हो जाएगा, वही क्वेश्चन उन्हीं का जो पीछे वाले बेंच पे बैठते हैं। देखिए आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। 20 लाख वन टाइम लगाया और 12% का ब्याज होता है तो 2 लाख 40 हज़ार बढ़ गया, तो यहाँ कितना हो गया 22 लाख 40 हज़ार। फिर अगले साल इसका 12% बढ़ेगा 25 लाख 8 हज़ार, फिर इसका 12% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं ना ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट वाला तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही फार्मूला भी रट के कॉपी पे करने लगेंगे तो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। कंपाउंडिंग वाला करना है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय 100 पे पावर एन, एन मतलब टाइम, वो सब याद ही होगा, आगे वाला बेंच पे अगर बैठते हैं तो याद ही होगा अभी तक। तो 25 का फिर 12% चढ़ाएंगे तो 28 लाख का रंग चढ़ जाएगा, फिर इस पे 15 मारेंगे 31 लाख वाला रंग चढ़ जाएगा, फिर 12% करेंगे 35 39 44 49 55 62 69 और लास्ट में 1 करोड़ 9 लाख 47 हज़ार। मैथ का आंसर एक ही होता है, दो अलग अलग नहीं होगा, आप भी करेंगे आप भी करेंगे, आंसर एक होगा यदि सही सही किया होगा तो 12% से कितना होगा, 13 से कितना होगा, 14 से कितना होगा करके देख लीजिए। आपको लगता है, सोच के देखिए, वो प्लॉट लिए थे तो उतना हो गया, जिसने लिया था उसका हो गया, हाँ यहाँ पे हो गया, सबका हो गया, वहाँ भी लिया तो वहाँ हो गया, नहीं वो तो डूब गया, वो भी डूब गया, उसमें तो रेल का पटरी गुजर गया, उसमें तो रोड गुजर गया, वो तो तोड़ दिया, एक आदमी दो आदमी का हो गया, तो ऐसे करके सोचना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।